नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो है जून लग गया है, जून का 14 तारीख हो गया, और जैसा कि जो है बरसात शुरू होता है, तो बरसात जो है शुरू होने वाला है, स्टार्ट हो गया, पानी जो है गिरना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हल्का हल्का जो है घास उगने लगा है, इससे पता चल जाता है कि बरसात, और मौसम भी देख सकते हैं काफ़ी जो है धूप वगैरह नहीं है, बादल छाए हुए हैं, लगता है बारिश अब भी हो जाएगी, ऐसा जो है मौसम बना हुआ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कि मशरूम किस प्रकार जो है उगता है, और कैसे उसको अगर अगर खेती की जाए तो किस प्रकार हो सकती है। ऐसा वैसे तो प्रोफेशनल तरीका मुझे नहीं पता कि किस प्रकार जो है उगाते हैं, और आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार मशरूम होता है। मशरूम जानते हैं ना, कुछ इस प्रकार का मशरूम जो है रहता है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, मशरूम काफ़ी जो है एक बहुमूल्य कहना चाहिए कि सब्ज़ी है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है और सीजन में ही मिलता है, सीजन में मिलता है अच्छा खाने को। मशरूम की अगर बात करें तो मशरूम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो है सर्प का जो बिल होता है उसमें भी रहता है, और बहुत सारे, और जैसे कि इसमें ये है पैरा, और इसमें भी जो है मशरूम निकलता है, पैरा सड़ने के बाद जो है मशरूम उसमें से निकलता है, और ये बरसात में, ये प्रक्रिया बरसात में होती है, क्योंकि इसको सड़ने के लिए पानी और नीचे से जो है कीड़ा वगैरह, छोटे छोटे कीड़ा जो है सड़ाते हैं, उसके बाद जो है मशरूम निकलता है। तो इस कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो है पैरे को रखा गया है, और इसमें पैरा हल्का हल्का जो है सड़ा हुआ है, ये पैरा जो है हल्का हल्का सड़ा हुआ है ऊपर से, ऊपर ये देख सकते हैं, और नीचे भी हल्का हल्का है। तो इसमें अगर नमक डाल दें तो जो है मशरूम निकलने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जितने अच्छे से सड़ता है उतने अच्छे से जो है मशरूम निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहीं पर था पैरा, तो उसको जो है हम लोग मशरूम निकलने के लिए, ताकि हमको जो है मशरूम खाने को मिले करके वहाँ पे रख दिया है। तो अब पता नहीं उसमें से निकलेगा कि नहीं, उसमें शायद नमक डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार होती है, अगर मशरूम निकलता है तो आपको जो है वीडियो बना के दिखाऊँगा किस प्रकार जो है मशरूम उसमें निकलता है और कैसा होता है। और ये इसका साइज़ जो पैरा मशरूम का होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और काफ़ी जो है इसको काफ़ी स्वादिष्ट होती है इसकी सब्ज़ी, और एकदम चाव से खाते हैं लोग। तो इस प्रकार की मशरूम, इस प्रकार से आप जो है मशरूम निकाल सकते हैं। आपके यहाँ पुराना अगर पैरा हो और सड़ा हुआ हो तो उसको एक ही जगह रख दीजिए, और हो सके तो उसमें नमक डाल दीजिए, जो जिससे कि जल्दी सड़ता है और जल्दी अच्छे से जो है मशरूम हो पाए। तो ये जो है इस प्रकार आप मशरूम जो है निकाल सकते हैं, और अच्छे तरीके से काफ़ी जो है प्रोटीन विटामिन जो उसमें होता है ऐसा बताया जाता है, और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है।